इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। इस तस्वीर में महिला का पैर एक व्यक्ति छूकर आशीर्वाद ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर कौन सी बड़ी बात हो गई कि यह खबर बन गई। बड़ी बात यह है कि जो पैर छू रहा आदमी है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि वैशाली जिला के लालगंज विधानसभा से विधायक है। ये भाजपा विधायक संजय कुमार सिंह हैं और वे जिनका पैर छू कर आशीर्वाद ले रहे हैं उसके बारे में आपके जहन में यही बात आ रही होगी कि यह महिला भी कोई रसूखदार घराने की महिला होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है। महिला किसी बड़े घर की नहीं बल्कि एक साधारण जीवन यापन करने वाले परिवार से ताल्लुकात रखती है। हम आपको बताते हैं विधायक द्वारा इस महिला के पैर छूने की पूरी कहानी। आप बने रहें वैशाली टुडे के साथ। दरअसल लालगंज में गांधी जयंती के मौके पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन था। समापन समारोह में लालगंज विधायक संजय कुमार भी उपस्थित थे। इस मौके पर सबसे पहले विधायक संजय कुमार सिंह एवं सभापति कंचन शाह, कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सहित समेत वार्ड पार्षदों ने महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर सराहनीय कार्य करने वाले 5 महिला कर्मी, SHG के 15 महिला सदस्य, 5 पुरुष सफाई कर्मी, 5 महिला सफाई कर्मी, कार्यपालक कर्मी अजय शर्मा, रंजीत कुमार तथा सफाई कार्यों के पर्यवेक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह, कौशल कुमार शुक्ला, हरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, रोशन कुमार एवं चालक रुपेश कुमार को लालगंज विधायक संजय सिंह, नगर परिषद के सभापति कंचन कुमार शाह, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित, कनीय अभियंता ध्रुव कुमार आदि के द्वारा सम्मानित किया गया। विधायक संजय सिंह सफाई कर्मी को सम्मानित करने के बाद पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विधायक संजय सिंह ने अपने संबोधन में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि सफाई कर्मी के मेहनत की बदौलत ही हम आप बीमारी से मुक्त यानी स्वस्थ रहते हैं। इनके कार्यों की जितनी सराहना की जाए वह कम है। विधायक द्वारा एक सफाई कर्मी का पैर छूना काफी चर्चा का विषय है। सुनिए इस मौके पर क्या कुछ कहा विधायक ने। और सफाई कर्मी जो है उनको हेल्थ दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। कचरा वाला हम कहते हैं समाज में कि कचरा वाला आया है, कचरा वाला वो नहीं है, कचरे वाले तो हम है। जो हम कचरा फैला रहे वो तो कचरा साफ करने वाले हमारे पुण्य लोग हैं जो हमारी जिंदगी को साफ करते हैं। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है उनके प्रति एक अच्छा भाव रखते हुए उनको समाज में पूरा सम्मान देते हुए वो हमारे जीवन यापन को ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश करते हैं, हमको स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके प्रति सम्मान का भाव हम सब लोगों के मन में रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम स्वच्छता कर्मी माताओं को सम्मानित कर रहे थे तो हमने माँ को शौर उठाने के बाद उनके पाँव छुए। क्यों छुए? इसलिए कि उनको महसूस होना चाहिए कि पूरा समाज हमारे सामने नतमस्तक है। अगर हम समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज के हम अगुवा हैं, हम समाज के नेता हैं, तो समाज के नेता को समाज की उस पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति के सामने झुकना ही चाहिए जो समाज के हित में काम कर रहा है। और इसलिए हमने आज अपनी माँ के सामने अपने हाथ पसारे, उनके पाँव के सामने अपने हाथ को रखा और उनको प्रणाम किया। मित्रों, स्वच्छता के इस कार्यक्रम को आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। आगे भी चल करके पूरा नगर परिषद अच्छाई के साथ, पूरे सहृदयता के साथ और समन्वय के साथ पूरा नगर साफ हो। देखिए, जो स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा था इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर आज 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती है, उस अवसर पर ये पखवाड़ा जो चल रहा था उसका समापन था। नगर परिषद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग, वो चाहे सफाई कर्मी हो, स्वयं सहायता समूह के लोग हों, उन सबका सम्मान हुआ है और इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इसी अवसर पर आज उपस्थित हुए।